नवनिर्मित हरिहौध कला केंद्र की तकनीकी खामियों व राहुल प्रेक्षागृह के बाबत जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। जी हाँ, जनपद आजमगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त रंगकर्मी ममता पंडित और सम्मोहन कला संस्थान के सचिव राजकुमार शाह द्वारा आज दिनांक 27 अक्टूबर को सूत्राधार संस्थान के प्रतिनिधि की ओर से संयुक्त रूप से आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से मिलकर नवनिर्मित श्री हरिहौध कला केंद्र के तकनीकी खामियों के बाबत जिला प्रशासन को प्रमुख सचिव संस्कृति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कई विषयों पर चिंता प्रकट की गई है और उसके सुधार की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में नवनिर्मित हरिहौध कला केंद्र प्रेक्षागृह में तकनीक त्रुटियों को सुधारने हेतु निवेदन किया गया है कि राहुल संकृत्यायन पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौध की धरती उत्तर प्रदेश का जनपद आजमगढ़ कला साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु सदैव संसाधन विहीन रहा है। जनपद में रंगकर्म का सुनहरा और कर्मठ इतिहास रहा है। पृष्ठभूमि आजमगढ़ में 1934 से 1956 तक की संसाधन विहीन रंग यात्रा जो 1978 में फिर से सक्रिय हुई है, वह लगातार अब तक जीवटतापूर्वक निरंतर जारी है। यह यात्रा सदैव बुनियादी संसाधनों के अभाव में सतत क्रियाशील रही है। वर्ष 2007 में एक बार उम्मीद जगी जब जनपद का पहला रंग भवन राहुल संकृत्यायन प्रेक्षागृह संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया, परंतु यह प्रेक्षागृह अपने कार्य हेतु उपयोगी होने के बजाय व्यवस्था का शिकार हो गया। समय समय पर मांग उठी, आंदोलन हुए, मरम्मत नवीनीकरण के आदि के नाम पर खूब धन अपव्यय हुआ, परंतु प्रेक्षागृह सही नहीं हुआ और वर्तमान में जीर्ण शीर्ण हालत में है और वह जनपद के रंगकर्म के लिए उपयोग नहीं हो पाया। मेरा नाम ममता पंडित है और हमारी एक रंग संस्था है सूत्रधार संस्था आजमगढ़, और हम लोग लगातार करीब 5 सालों से लगातार रंगमंच में सक्रिय हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे सामने दो साक्ष्य प्रमाण है, एक राहुल संकृत्यायन प्रेक्षागृह है और दूसरा जो हरिहौध कला केंद्र है। तो उसकी जो है इस वक्त जो अवस्था है वो आप लोग जानते ही हैं कि एकदम एक तरह से वो अनुपयोगी है, और रंगमंच के दायरे में देखा जाए तो भी है, और उस तरह भी हम केवल वहाँ पे फंक्शन वगैरह कर सकते हैं या वो उस तरह का आयोजन कर सकते हैं जिसमें हम साउंड का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हम वहाँ पे शो कर सकते हैं, वरना वहाँ शो करने लायक नहीं। ना स्टेज भी टूट गया है, और वही स्थिति हमको लग रहा है कि हरिहौध कला केंद्र को में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की टेक्निकल बहुत फॉल्ट है और मंच का दायरा जो काफ़ी चौड़ा है, और जिसका देन था हम लोगों ने शो किया था वहाँ पे बोधू एयर का, तो हमारे दो जो है जो एक्टर थे वो फिसल के गिर गए थे, और दो अलग अलग बड़े बड़ा ग्रीन रूम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर मंच हमारा बढ़ गया होता और विंग्स अगर क्लियर होता कि फर्स्ट सेकेंड विंग्स है तो वो काफ़ी उपयोगी होता, पर हम लोग आपका कहना है ममता जी कि मंच जो है मानक के अनुरूप नहीं है, और अन्य त्रुटियां हैं जैसा कि आप बता रहे हैं लाइट और साउंड की, तो इसके बाबत जो ज्ञापन दिया है तो जिलाधिकारी महोदय से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा देखते हैं जिस हिसाब से कला भवन को राजनीतिक देखिए, हम लोग आर्टिस्ट और हम लोग चाहते हैं जो भी चीज़ें मिली हमें अच्छी मिले, और हम चाहते हैं कि आजमगढ़ तरह से और चीज़ों में विकास कर रहा है तो कला के क्षेत्र में विकास करे। उसका साक्षी एक प्रमाण पत्र है कला केंद्र, उसकी अगर मरम्मत हो जाती है या जो भी टेक्निकल फॉल्ट है उसको सुधार दिया जाएगा तो हम लोग के लिए उपयोगी, और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी राजनीति और वो हस्तक्षेप हो। जो तकनीकी त्रुटियाँ हैं उसके सुधार के लिए हम लोगों ने प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन आज दिया है। वास्तव में 1934 से अब तक आजमगढ़ में रंगकर्म का बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन साधनों के मामले में बहुत ही पिछड़ा रहा है हमारा शहर। हमारे गुरु के अग्रज रंगकर्मियों ने बहुत ही परिश्रम से बहुत ही कष्ट से यहाँ रंगकर्म को जारी रखा, और पिछले 30 वर्षों से सम्मोहन कला संस्थान के माध्यम से हम और 25 साल के आसपास से अभिषेक पंडित और ममता पंडित की संस्था सूत्रधार यहाँ मेन एकेडमिक थिएटर में सक्रिय हैं। हम लोग बहुत ही संघर्ष और बहुत ही परिश्रम से 2007 में एक यहाँ पे राहुल प्रेक्षागृह संस्कृति विभाग की तरफ से दिया गया, वो भी व्यवस्था का शिकार हो गया, और हमेशा वहाँ पे कमियाँ ही रहीं। कभी भी लाइट साउंड या जो बुनियादी संसाधन है उसकी प्रतिपूर्ति कभी संभव नहीं हो सकी, और खूब उसकी मरम्मत के नाम पे खूब धन का अव्यय हुआ, खूब फेल हुआ व्यवस्था का। लगभग वही स्थिति जब आज कला भवन में देखने को मिल रही, तो हम लोगों को बहुत ही कष्ट हो रहा है कि वहाँ पे पिछले अभी मुझे पता नहीं वो हैंडओवर हुआ या नहीं प्रशासन को, उसके बावजूद वहाँ जो दो मुख्य कार्यक्रम हुए जिसमें सीधी तरह से संस्कृति एवं पर्यटन इन्वॉल्व था जिला प्रशासन के साथ, एक तो रामायण कॉन्क्लेव
और दूसरा आजमगढ़ महोत्सव, दोनों ही बातों में कार्यक्रमों में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि वहाँ रंगमंचीय संसाधन जो है, जो लाइट साउंड है, उन वो तकनीकी रूप से बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। न तो मंच और मंच के अलग अलग जो उपांग हैं वो रंगमंचीय कार्य के अनुरूप है, न तो वहाँ लाइट साउंड और उसके इक्विपमेंट है वो भी टेक्निकली पूरी तरीके से फेल है। इसके बारे में मेरे द्वारा, अभिषेक पंडित के द्वारा बार बार कई ज्ञापन, कई पत्र, कई शिकायती पत्र, कई वार्ता दी जा चुकी है, लेकिन वो कभी भी आगे मेंशन नहीं होता। तो इस संबंध में हम लोगों को बहुत ही शिकायत है कि वहाँ जो तकनीकी त्रुटियाँ हैं उसको दूर करके जो एक लगभग 22-24 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो रंगकर्म के उपयोग में आए, कलाकर्म के उपयोग में आए, एक बिल्डिंग मात्र होकर के ना रह जाए, व्यवस्था का शिकार ना हो जाए। तो वहाँ जो तकनीकी त्रुटियाँ हैं उसके सुधार के लिए हमने और मंत्रालय आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जिला प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया, आश्वासन क्या मिला? उन्होंने आश्वासन तो कुछ शाब्दिक रूप से स्पष्ट नहीं दिया, बस जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, अगर वो आगे भेजेंगे तो उसकी कोई कार्यवाही होगी, नहीं तो हम लोग उससे आगे आरटीआई और आंदोलन के लिए जो बाध्य होंगे।